देखिए कितना खुश लग रहा है। अच्छा वो बंगार अलमारी मुझे सही टाइम पे मिल गई, और ना छोटी की यह खुशी देखने ही नहीं मिलती। भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई, अरे आओ आओ बाबू चिपके, आओ क्या आओ आओ। नाम है मेरा बाबू चिपके और काम किया आज आपने सबसे हटके। क्या मतलब? अरे इतने अनजान मत बनो भिड़े भाई, मुझे बुलाया, इतनी मेहनत करके ऊपर से अलमारी मैं नीचे लेके आया, और मुझे आने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, अलमारी का काम आपने किसी और कारपेंटर को दे दिया, हा? मेरी थोड़ी सी भी राह नहीं देखी आपने। क्या बोल रहे हो तुम बाबू चिपके? अरे सुबह जब अपनी बात हुई थी कि शाम को तुम आके अलमारी लेके जाओगे रिपेयर करवाने के लिए, तो मैं दूसरे कारपेंटर को क्यों बोलूंगा? अच्छा तो फिर अलमारी कहाँ है? कहाँ है क्या बाबू चिपके, सुबह हमने अलमारी अब्दुल के दुकान के सामने रखी है ना, वहीं पे अलमारी। तेरी मतलब वो टूटी फूटी अलमारी भिड़े की थी? अलमारी कहाँ जाएगी, वहीं पे तो है। भिड़े भाई वो लंबी चौड़ी अलमारी है, कोई बॉल थोड़ी है जो यहाँ वहाँ लुढ़क जाएगा। अरे वहाँ नहीं है अलमारी। अरे अलमारी वहाँ नहीं है मतलब कोई अलमारी चोरी तो नहीं होगी भाई? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, इतनी जरी पुरानी अलमारी चोरी कौन करेगा? जीठालाल माना कि वो अलमारी जूनी पुरानी थी, लेकिन वो मेरे आजूबा की आखिरी निशानी थी, मेरे आजूबा के जमाने की थी। उस अलमारी का लकड़ा इतना मजबूत है कि आजकल ऐसा लकड़ा देखने को नहीं मिलता है। कुछ पे चोरी हो गई आजूबा। अरे भिड़े, अरे भिड़े, अरे भिड़े, ओ भिड़े, भिड़े। अलमारी कहाँ गई? यहाँ पे रखी थी अलमारी। अरे बाबू चिपके यहीं पे रखी थी ना अलमारी। अरे भिड़े भाई मैं आपको अंदर वही तो बता रहा था कि अलमारी नहीं है, यहाँ पे गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई? आहो अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, पता है ना आजूबा के जमाने की अलमारी थी, मेरे आजूबा की आखिरी निशानी थी, कैसे शांत हो जाऊं मैं? शाम को मैंने देखा था अलमारी यही थी। अब गेली कूटे। अरे अब्दुल कह रहा कि उसने पहले अलमारी यहाँ देखी थी और इस वक्त यहाँ नहीं है, तो फिर पक्का चोरी हो गई है भाई भिड़े। अलमारी सत्यानाश हो उस चोर का जिसने मेरे आजूबाज की आखिरी निशानी चोरी की है, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा अलमारी को। ओ भिड़ो तू फिकर ना कर, ओ इस चोर को तो हम लोग पकड़ लेंगे, और जैसे ही ये चोर मेरे हत्थे लग गया ना एनु ते मैं छक्का मारी। करेक्ट करेक्ट। सॉरी सॉरी। क्या करता है तू? बाबा आप चिंता मत करो, हमारी अलमारी हमें वापस मिल जाएगी। मारा हुआ कबर तुम्हारे ग्रैंडफादर के जमाने का था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा। त्योहार के दिन दिल छोटा मत कर, अलमारी मिल जाएगी, हम किसी ना किसी तरह उस चोर को पकड़ लेंगे और उसे अलमारी वापस लेकर रहेंगे। चल चल अंदर चल। भिड़े भाई मैं चलता हूँ, अगर अलमारी मिल जाए तो मुझे बता देना। अगर मतलब मिल ही जाएगी, जैसे मिल जाए ना मुझे फोन कर देना, मैं यहाँ आके अलमारी लेके जाऊंगा। भिड़े भाई वो टेम्पो का भाड़ा। अरे भाई अलमारी चोरी, अलमारी नहीं है तो भाड़ा किस बात का? अरे ये अलमारी नहीं मिल रही, इसमें टेम्पो वाले की क्या गलती? अगर आपने सुबह अलमारी कंपाउंड में रखने दी होती। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, भिड़े पैसे दे के खत्म करता है। हाँ भिड़े भाई हाँ। चलो 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 अंदर चलो चलो आज। दिन दहाड़े हमारी सोसाइटी में से अलमारी की चोरी हो और किसी को पता भी नहीं था। अरे तुम सब लोग के आंखों पे पट्टी बांध के काम कर रहे थे। दादाजी हम लोग यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में काम कर रहे थे और बहुत बिजी थे, शायद इसी मौके का फायदा उठाकर वो चोर अलमारी चुरा ले गया होगा। जेठालाल भिड़े को अपनी अलमारी की चोरी का झटका लगा है समझ में आता है, लेकिन तुम्हें किस बात का झटका लगा है? भिड़े की इतनी अनमोल चीज खो गई है तो झटका तो लगेगा ना भाई। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन अंदर से बहुत भावुक हूँ, तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ भाई। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अरे ओ भाई अभी तुम लोग अंदर अंदर बातें करके टाइम बर्बाद मत करो, चालू बेटे को फोन करो और यहाँ बुला। बापूजी चालू जी पांडे जी को इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों तकलीफ देनी है? छोटी चीज
जेठालाल तुम्हारे लिए छोटी चीज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस किसी ने मेरे आजूबाजू की अलमारी चोरी की है ना, वो कभी चैन से नहीं बैठेगा। उसकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ताकि दोबारा कभी वो चोरी करने की जुर्रत ना करे। और फिरो एक बार इस चोर को मेरे हत्थे चढ़ जाने दे। और इसको तो पंचिंग बैग बना के खाली हाथ से बॉक्सिंग ही नहीं खेलूंगा और पैरों से किक बॉक्सिंग खेलूंगा इसका साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में ना मिर्ची का अचार जड़ अचार ठूसना चाहिए ताकि ये चोरी करने की हिम्मत ही नहीं करेगा कभी लाइफ में। ऐसे चोरों को खुजली की दवाई दे देनी चाहिए ताकि पूरा दिन खुजली करने में अपने हाथों को बिजी रखे ताकि उस हाथों से चोरी ना कर सके। ये चोर अगर पकड़ा गया ना, इसको ना गधे पे बिठा के ना पूरे एरिया में घुमाना चाहिए। अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया ना, पोपटलाल तुम तो कुछ बोलो ही मत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे परमिशन लेटर पे साइन करके दी होती तो मेरी अलमारी यहाँ होती कंपाउंड में, मैं बाहर नहीं रखता और वो चोरी नहीं होती। अहो काय करता है सोना तो पोपट बाबूजी ना। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ लिपरे को छोड़। तू छोड़ जाए कि मैं आऊँ तेरी गर्दन पकड़ने के लिए। ऐसे कोई झगड़ा करता है? अरे बाप रे, ये पोपटलाल की वजह से भिड़े को अलमारी बाहर रखनी पड़ी, उसमें उसने पोपटलाल का ये हल कर दिया। अगर उसे पता चलेगा कि मेरी वजह से उसकी अलमारी जलकर राख हो गई है तो वो तो मुझे जान से मार देगा। एक काम करता हूँ, बापूजी के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, वहां मैं सुरक्षित रहूंगा। सही कह रहे हैं बापू जी, सही कह रहे हैं। झगड़ा मत करो भाई, झगड़ा मत करो। अरे मुझे दोष देने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखो। सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मेरी गलती? तुम्हारे सोसाइटी के फालतू रूल्स की वजह से हुआ है। तुमने अगर ऐसे फालतू रूल नहीं बनाए होते ना तो आज तुम्हारी अलमारी भी बन जाती और उस दिन मेरा गड्ढा भी सूख जाता यहाँ पर। अरे पोपट भाई, भेड़े भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें टाइम वेस्ट ना करके ना पांडे जी को फोन करना चाहिए। क्या पता ये चोर शायद यहीं पे कहीं पे हो। आप सही कह रहे हैं बबीता जी, मैं अभी चालू पांडे जी को फोन करता हूँ। मैंने फोन लगा दिया भिड़े, फोन लगा दिया। हेलो चालू जी, पांडे जी मैं जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। तो दरअसल बात ये हुई है कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब है ना, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, तो उनकी एक बहुत अनमोल चीज चोरी हो गई है। तो आप अभी कभी जरा यहाँ गोकुलधाम आ सकते है? नहीं नहीं, हीरो का हार नहीं है, एक पुरानी सी अलमारी है। सॉरी एक मिनट चालू रखना। अरे बाप रे, तो भड़क गए। ये बोल रहे कि तुम गोकुलधाम वाले कब सुधरोगे? छोटी छोटी बातों के लिए क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? लाओ तो मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। मैं करता हूँ। हेलो चालू जी, पांडे जी, देखिए ये जो अलमारी है ना, वो कोई सामान्य अलमारी नहीं है। वो क्या है कि वो भिड़े के आजूबा है ना, उनकी आखिरी निशानी है। हाँ, और दूसरा क्या, वो जो लकड़ा जिससे वो अलमारी बनी है ना, वो लकड़ा तो बहुत बहुत जबरदस्त लकड़ा है। वो आजकल तो ऐसा लकड़ा देखने को भी नहीं मिलता है। नहीं नहीं, घर से नहीं, वो अब्दुल के दुकान के बाहर पड़ी थी, वहां से चोरी हो गई है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, भले भले भले, ओके, थैंक यू। वो बोल रहे कल सुबह तक वो अलमारी ढूंढ निकालेंगे। ये तो खुशी की बात है यार। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी ने कहा है तो तेरी अनमोल अलमारी कल तक मिल जाएगी। मिल जाएगी। फोन के नाटक की वजह से कल सुबह तक तो बला टली। कल सुबह उठ के सबसे पहले जूना बाजार जाके ऐसी कोई बढ़िया सी अलमारी लाके भिड़े को गिफ्ट कर दूंगा और भिड़े की माफी मांग लूंगा। सेठ जी, नटू काका भागा, आप लोग वापस क्यों आए? लकड़ी का बिल देने। तो बिल तो आप सुबह दुकान में भी दे सकते थे ना, उसके लिए धक्का खाने की क्या जरूरत है? जाओ, कल सुबह दुकान में दे देना, जाओ। नहीं सेठ जी, हम सिर्फ लकड़ियों का बिल देने नहीं आए, वो पेमेंट भी आज के आज ही करना है। अरे तो पेमेंट दे देना था ना भाई तुम लोगों को, मैं तुम्हें कल दे देता ना भाई दुकान में। लेकिन सेठ जी, हमारे पास इतना कैश नहीं था। बागंकल, आपको पापा को फोन करना चाहिए था ना, पापा आपको फोन से ट्रांसफर कर देते पैसे। हम सेठ जी के फोन पे आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं लेकिन सेठ जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
आधे घंटे से स्विच ऑफ आ रहा है। तो जेठाला अभी 2 मिनट पहले तुमने चालू पांडे जी से फोन पे कैसे बात की? तुम फोन करने का नाटक कर रहे थे? नथिया, तूने हम सब से झूठ बोला? पांडे बेटे के साथ फोन पे बात करने का नाटक किया? ऐसा क्यों किया बोल? सॉरी बापूजी, वो मैं नहीं चाहता था कि ये लूटे का इतना जोरदार फंक्शन हुआ उसका अंत पुलिस की एंट्री से हो। क्या कि वो कहते ना, अंत भला तो सब भला। तो क्या है कि इतना जो बढ़िया फंक्शन हमारा हो रहा था उसका अंत अगर बुरा होता तो पूरा फंक्शन का मजाक किरकिरा हो जाता। इसलिए अपराध उसे एकदम सही सोच रहे हो, पर अब सोसाइटी में चोरी हुई है तो पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। सोडी भाई, किसके घर पे चोरी हुई? बागा, मेरे मेरे घर के अलमारी की चोरी हो गई है। कमाल है, चोर घर के अंदर आकर पूरी की पूरी अलमारी चोरी करके लेके गया। बागा, भिड़े की अलमारी घर के अंदर से नहीं, घर के बाहर से चोरी हुई है। हाँ सिली, घर की अलमारी घर के बाहर रख दी, ये तो चोरों को दावत देने वाली बात हुई। अरे नट्टू काका, भिड़े ने अपनी अलमारी घर के बाहर, मतलब ये अब्दुल की दुकान के पास रखी थी रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन देखो इतनी टूटी फूटी पुरानी अलमारी भी चोर लेके चला गया। हमें चालू पांडे जी को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं 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 पोपट भाई, पांडे जी को मत बुलाना प्लीज, वरना हम पकड़े जाएंगे। हम पकड़े जाएंगे मतलब वो अलमारी तुम लोग लेके गए? तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? बापू जी, नट्टू काका और बाघा को मत डांटिए, उन्होंने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। चेतलल, तुम्हारे कहने पे क्या मतलब? तुमने कहा था इनसे तो कहाँ है मेरी अलमारी? जेठालाल, मुझे मेरी अलमारी वापस चाहिए अभी के अभी। सॉरी भिड़े, अभी तुझे तेरी अलमारी कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्यों? बताता हूँ, सब कुछ विगतवार बताता हूँ। वो मैं आज शाम को दुकान से आया ना, तभी मैं सच में वो लकड़ी का बोलना भूल गया था। मेरे को लगा ही था। तो फिर मैंने वो, अरे नट्टू काका, क्या हुआ लकड़ियों का? हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली। वो लोहड़ी है ना, तो सारी लकड़ियाँ बिक गई है। अरे नट्टू काका, भागा, लकड़ी मिल गई। तू फटाफट टेम्पो लेके आ, अलमारी को लेकर जा और इसकी छोटी छोटी लकड़ी कटवा कर फटाफट गोकुलम सोसाइटी में लेके आ। एक अच्छी लकड़ी वही होती है जो पूरी तरह से सूखने के बाद तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छा, तुमने जो लकड़ी लाई है ना, बिल्कुल वैसी है ना? मतलब ये जो लकड़ा जल रहा है वो मेरे आजूबाजू की आखिरी निशानी। भाई 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 भाई। तू लकड़ी लाना भूल गया, उसमें तूने भिंडी मास्टर की अलमारी जला दी। बापूजी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, तभी मुझे पता नहीं था कि वो अलमारी भिड़े की है, उसके आजूबा की आखिरी निशानी है। मुझे लगा किसी ने ऐसे भंगार में वहाँ छोड़ दी है, वरना मैं ऐसे करता ही नहीं ना बापूजी। मुझे पता होता तो बापू जी।
क्या कर रहे हो आप? गरम है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये क्या कर रहे? मेरे पास फिर जेठालाल, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। मेरे आजूबाजू की अलमारी जला दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनिए 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 भिड़े भाई, प्लीज आप सेठ जी को छोड़ दीजिए, आपकी अलमारी जली नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं आपकी अलमारी लेकर मेरे कारपेंटर दोस्त के पास गया तो उसने कहा कि बाघा इस अलमारी का लकड़ा कितना अच्छा है, आजकल ऐसा लकड़ा कहीं मिलता नहीं है। उस भले आदमी के पास आपके जैसी दूसरी अलमारी थी तो उसने उस अलमारी की लकड़ियां काट कर मुझे दी और आपकी अलमारी बहुत जल्द रिपेयर करके वापस दे देगा। अरे कहाँ जा सकते हैं भागा? अरे अरे कौन? मतलब लोटी में से लकड़ियां जल गई हो, भिड़े की अलमारी की नहीं थी। मतलब मेरे आजूबाजू की अलमारी सही सलामत है। अरे बागा, लड्डू काका, थैंक यू, माधवी आजूबा बच गए, अलमारी बच गई। अबे तो पहले बताना चाहिए ना, ये भीड़ गरम गरम लकड़ा लेके मेरे पीछे भाग रहा था, वो लकड़ा कहीं तो? अरे लेकिन सेठ जी, मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। और जेठालाल, तुम मुझसे क्या डांट रहे हो? अगर डांटा है तो अपने आप को डांटो। तो अच्छा हुआ कि आजूबा की अलमारी बच गई, वरना तुमने तो अलमारी को ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर ही दिया था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ओ छड़ो यारो, ओ जो होना था सो हो गया, ओ रामजी की कृपा सत्कार अलमारी तो बच गई। ओ इसी बात में पकड़ा पाओ बागा बजाट तो। एक मिनट, भंगड़ा पाने से पहले मैं जरा भिड़े को अच्छी तरह से सॉरी कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। भिड़े दोस्त, सबके सामने मैं कान पकड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, तुझे सॉरी कहता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मेरी दो गलती की वजह से हुआ। पहली गलती कि मैं लकड़ी लाना भूल गया, और दूसरी गलती कि मैं लकड़ी लाना भूल गया वो बात मैंने तुम सबसे छुपाई। अगर मैंने शाम को तुम सबको सीधा सीधा बता दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं, इसलिए सॉरी दोस्त। ऐसे माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए जेठालाल। अगर मैं तुम्हें दिन में एक कॉल कर देता कि भाई लकड़ियां तुम्हें लानी है तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं, लेकिन मेरा ईगो बीच में आ गया ना, मैंने सोचा कि मैं क्यों कॉल करूं जेठालाल को। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने अपना ईगो बाजू में रख के तुम्हें कॉल कर दिया होता तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। सच में ये ईगो की वजह से ना दोस्ती में रिश्तेदारी में ना दरार पैदा हो जाती। I'm very sorry जेठाना। चल ठीक है, अभी तूने अपनी गलती मान ली है और तू ये मानता है कि ये जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ है, तो जा भाई ठीक है, माफ किया तुझे।
जेठालाल तुम कब सुधरोगे भाई? अरे भाई मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ। क्या है जो बिगड़े हुए होते हैं ना उनको सब बिगड़े हुए नजर आते हैं। कितनी ही भ्रष्ट तरी अमी श्रेष्ठ। अरे भाई पोपटलाल तुम्हें भी सॉरी, वो गुस्से में मैंने तुम्हें वो नहीं भिड़े। ठीक है भाई मैं समझ सकता हूँ और मैं भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ। वो मुझे पुरानी बात को मन में रख के तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें अलमारी या सोसाइटी में रखने दी होती तो ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। सॉरी यार। दोस्तों गोकुल धाम में हम सभी ने धूमधाम के साथ इस तरह से लोहड़ी मनाई कि सोढ़ी परिवार का दिल खुश हो गया। सभी लोग प्रसन्न हो गए। उतार चढ़ाव जरूर आए लेकिन अंततः प्रसन्नता और खुशी ही मिली सभी। जिंदगी में भी यही होता है, यदि हम मन से कुछ अच्छा करना चाहें तो फिर सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। आप भी यदि किसी के लिए अच्छा करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए, क्योंकि अंतिम परिणाम बेहद खुश करने वाला होगा, अच्छा होगा, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो जिस तरह से गोकुल धाम में आज खुशियां मनाई गई है, मुझे लगता है आप भी हमारे साथ बड़े खुश हुए होंगे और भी आपको बेहद खुश होना है जब आप देखेंगे अगला हंगामा, अगला धमाका, अगला ठहाका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.